जो तीन कानून भाजपा सरकार ने किसानों को लेकर बनाए थे, जिसके खिलाफ काफी दिनों से किसानों का संघर्ष चल रहा था, वे संघर्ष के माध्यम से मांग कर रहे थे कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन भाजपा सरकार जिद पर अड़ी थी कि वे इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। लेकिन आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि वे तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। किसान अपना आंदोलन बंद कर अपने घर लौट जाएं। इस निर्णय पर सोलन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार व ब्लॉक कांग्रेस कसौली के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपने पैरों से नीचे सियासी जमीन हिलती नजर आई, जिसकी वजह से उन्हें अब अपना निर्णय बदलना पड़ा और किसानों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी हार है। नेताओं ने कहा कि तीन काले कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष करीब एक वर्ष चल रहा, जिसमें कई किसानों को जाने तक देनी पड़ी, लेकिन भाजपा सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार केंद्र सरकार को भयभीत करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन होकर संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की पूरी तरह अनदेखी की है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। भाजपा सरकार ये ना समझे कि वे कानून वापस लेकर किसानों के रोष से बच गई हैं, उन्हें इसका परिणाम भी आगे भुगतना पड़ेगा। गुरु पर्व पे जो है शायद इन्हें भी अक्ल आई, जिस तरह से मोदी जी ने एक साल तक किसानों को परेशान किया, किसानों को सड़कों पर बुलाया, कई परिवारों से उनके साये छीन लिए गए, 900 के करीब लोगों की वहाँ पे जाने चली गई ठंड के कारण, किसी और कारण से उनके ऊपर जिस तरह का इन्होंने बर्ताव किया, मुगली तुंगल की फैसले जो उन पर थोपने की कोशिश की गई थी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ किसानों का और उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने अपनी जंग लड़ी और इस जंग में हम लोग भी उनके साथ, पूरे देशवासी उनके साथ खड़े थे। इस मौके पर मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो जिस तरह की तानाशाही मोदी जी कर रहे थे, ये पहला स्टेप है कि उन्हें नीचा देखना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। भविष्य में भी ऐसा ही उनको करना पड़ेगा कि वो तानाशाही इस राष्ट्र में नहीं चलने वाली। मैं समझता हूँ किसानों का जो संघर्ष है वो कामयाब रहा है। काले कानून उन्होंने शुरू से ही कहा था कि ये तीन काले कानून जो है इन्हें वापस लिया जाना चाहिए और देर आए दुरुस्त आए। मोदी की पूर्ण रूप से हार है, भाजपा की पूर्ण रूप से हार है। मैं ठाकुर दास शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसौली। तो ये जो इतना लंबा संघर्ष चला है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और इसमें कोई वापस लेना उनकी मजबूरी थी, नहीं तो ये आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि हिमाचल जैसी एक बहुत छोटी सी स्टेट ने इतना बड़ा झटका दिया है और इतने दिल से छोटे वर्कर और लोगों ने, गरीब जमींदार लोग थे, खेतों में काम कर रही थी लेडीज, हम वोट मांगने गए अर्की कंस्टिट्यूएंसी में, तो खड़े होकर उन्होंने कहा आप लोग बहुत अच्छे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छी हमारा टाइम निकाला, लेकिन इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। तो उसका जो झटका मिला, अगर इसको नहीं करते तो इन आने वाले समय में भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और ऐसा नहीं है, किसानों की बहुत बड़ी जीत है और इसको ऐसे एक साल का संघर्ष के बाद वापस किया, इसका लंबा चौड़ा इनको फायदा नहीं मिलेगा। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इनकी इतनी जाने गई हैं, इसके लिए हम भगवान परमात्मा से ही कहते हैं कि इनकी उनकी आत्मा को शांति मिले। ये स्टंट हर दफ़ा करते हैं, एक से एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन लोग इनको समझ चुके हैं, जनता को सारा पता लग चुका है ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो इसका लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, देखना आने वाले टाइम में इनकी बुरी तरह हार होगी और हम लोग पूरी तरह फिर पावर में आएंगे।